हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमसे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक आसानी से सरलतापूर्वक पहुंचे। तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के समाचार में विभिन्न सूचनाएँ जो छाई हुई हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आज जो समाचारों में दिया गया है कि यूपी में 34 लाख महिलाएँ आजीविका से जुड़ेंगी। केंद्र सरकार की पहल है कि प्रत्येक समूहों को 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये उन जो समूह हैं अपने उत्तर प्रदेश में, देश में, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि प्रत्येक समूह को 1,10,000 रुपया दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो आज के समाचार पत्रों में दी गई है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रस्तावित कार्ययोजना को स्वीकृत किया है। यूपी में 34 लाख महिलाएं आजीविका से जुड़ेंगी। जैसा कि लक्ष्य रखा गया है कि इस साल नए स्वयं सहायता समूह के गठन के साथ ही 34 लाख से अधिक महिलाओं को आजीविका से जोड़ा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि हमसे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। उसी में बताया गया है कि 2,83,900 नए समूहों का गठन किया जाएगा। इन समूहों का गठन हो जाने के बाद करीब 1 करोड़ महिलाओं को आजीविका रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल 3694.84 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। 2463 करोड़ रुपये इस साल जारी करने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने स्वीकृत बजट से चालू वित्तीय वर्ष 2463.22 करोड़ रुपये जानकारी इसको जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इसके खर्च हो जाने पर कार्य योजना में शामिल शेष बजट के लिए प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निदेशक सी इंदुमती द्वारा 2023-24 के लिए भेजे गए कार्य योजना को बगैर किसी बदलाव से स्वीकृत किया गया है। 9.77 लाख हो जाएगी राज्य में महिला समूहों की संख्या, जैसे कि टोटल जो समूहों की संख्या हो जाएगी वो 9,77,000 उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिली जानकारी के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में 2,83,900 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना है। इन नए समूहों का गठन किए जाने पर करीब 34 लाख महिलाएं समूह को जुड़कर रोजगार की गतिविधियों में शामिल हो जाएंगी। ये जो अपडेट आ रही हैं आज के समाचार पत्र में दी गई हैं। तय कार्य योजना के मुताबिक नए गठित होने वाले समूह में से करीब 2,30,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रत्येक समूह को 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो समूह की गतिविधि की शुरुआत कर सके। इसके अलावा 1,40,000 समूहों को सामुदायिक निवेश फंड के तहत प्रति समूह 1,10,000 रुपये दिए जाने हैं। सामुदायिक निवेश फंड मिलने के बाद समूह पूरी तरह सक्रिय होकर रोजगार परक कार्य करने लगते हैं। तो ये है सबसे बड़ी अपडेट जो स्वयं सहायता समूहों के लिए है, जो 2,84,000 नए समूहों को बनाने का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। चलते हैं अगली सूचना की तरफ, देखते हैं। पॉलिटेक्निक जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 25 जून को होने वाली है। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए 25 जून को परीक्षा होगी। यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जून के बजाय 25 जून को होने वाली है। जैसा कि आपकी परीक्षा पहले 15 जून प्रस्तावित थी, लेकिन किसी कारणवश इसको 25 जून को कर दिया गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया है। परिषद कार्यालय के प्रभारी राम रतन के मुताबिक कम आवेदनों के कारण यह निर्णय लिया गया है। अभी तक 3,15,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हालांकि परीक्षा करवाने वाली एजेंसी भी अभी तक फाइनल नहीं हुई, तो इसलिए अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि छात्रों का पॉलिटेक्निक से मोह भंग हो रहा है। जहां एक महीने में सीटें भरने के लिए लाखों आवेदन हो जाते थे, कितने दिनों से परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, लेकिन अभी तक मात्र 3,15,000 अभ्यर्थियों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया है। और अभी आपकी एजेंसी भी नहीं क्लियर है कौन परीक्षा कराएगी। तो इस तरीके से आपकी परीक्षा जो है ये 25 जून को होने वाली है। अगली सूचना जो आपकी है वो कि भर्तियाँ पूरी ना होने पर आंदोलन होगा। जैसा कि ये शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला है, प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्तियां और जेई भर्ती प्रक्रिया को पूरा किए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में संयुक्त युवा मोर्चा भी उतर गया है। मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को इको गार्डन में अभ्यर्थियों से मुलाकात की। मोर्चा प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार अगर मांगों पर विचार नहीं करती है तो जल्द समूहों को संगठित कर आंदोलन होगा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल मोर्चा से गोविंद मिश्रा, अशफाक खान और अहमद खान मौजूद रहे। तो ये थी आज की सूचनाएं। आशा करते हैं कि आपके लिए ये सूचनाएं काफ़ी सहयोग करेंगी आपके करियर के लिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं,
तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।